सुख की छाया न दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया न दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हाँ प्रिय विश्वासियों, यहाँ हम सब इकट्ठे एक साथ प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो क्यों ना हम प्रभु से हर एक प्रार्थनाओं को मांगे, हर एक चिंताओं को प्रभु के चरणों पर डालें, हर एक दुविधाओं को प्रभु के चरणों पर डालें। जो कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों की माफ़ी हम प्रभु से मांगें। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम प्रभु को भूल जाते हैं, तो वो हर एक काम में प्रभु को आगे रखे, हर एक कार्य प्रभु के हाथों में सौंपे, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे, पूरे हृदय से दिल खोल के प्रभु का धन्यवाद करे। आज तक जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है उन सारी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। पूरे हृदय को खोल के हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है, साथ में तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है। हाँ प्रभु, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मैंने शिफा पाई है। प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। हम अपने हृदय में हाथ रखे और इस वचन दोहराएं, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं जब तक जीवित हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके वचन गाऊंगा। आपसे ही हमें ये जीवन मिला है, आपकी से ही हमें ये जिंदगी मिली है, तो क्यों ना हम ये जिंदगी आपकी आराधना में लगाएं। प्रभु का वचन कहता है, चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ प्रभु, हम उस भेड़ के समान हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, और तू हमारा वो चरवाहा है जो हमें सही रास्ते पे लाता है। हम बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो अपना रास्ता भूल चुके हैं, जो आपको भूल चुके हैं। प्रभु हमें एक सही बुद्धि और समझ दे, ताकि हम आपको याद रख सके और आपको कभी ना भूलें। कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राहगर तुझ सा नहीं, कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई राहगर भला गडेरिया है तुझ सा नहीं। तूने अपनी
अपनी जान देकर अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी प्रभु बचाई है। हम अपने हाथों को उठाएं, हम तालियां बजा के प्रभु की आराधना करें, हाँ कि प्रभु ने हमें बचाया है। हम जब भी अकेले पड़े प्रभु ने साथ दिया है। हाँ प्रभु, तेरे मार खाने से सिर्फ तूने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्रभु का वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हाँ विश्वासियों, जो प्यार प्रभु ने हमें किया, जो विश्वास हमने प्रभु पे किया, वही प्यार हमें हर एक से करना है। प्रभु ने हमें प्यार करना सिखाया है। जो भी लड़ाइयाँ परिवारों पे चल रही है, हर एक लड़ाइयाँ आज प्रभु के नाम से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज हमारे सामने प्रभु उपस्थित है। आपकी हर एक प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, आपके हर एक आंसू प्रभु पोंछ रहा है। आज यहाँ आप आए हैं, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, प्रभु भला है। हालेलुया, प्रभु हमारा चरवाहा है। हालेलुया, हम उसकी भेड़ है। हालेलुया, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। कर दिया है प्रभु वादा, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा, हाँ प्रभु वादा पूरा हो गया है। तूने पाखरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे, हाँ प्रभु, जब डगमगाए हमारे कदम, तूने हमें सहारा दिया है। जब भी अकेले पड़े, तूने हमें साथ दिया है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा हर एक लहू प्रभु हमें शांति और आनंद दे। पिता परमेश्वर, आपने जो भी हमारे लिए किया, उसके लिए हम पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हमारे कारण आपको जो भी दुख सहना पड़ा, वो हर एक दुखों के लिए प्रभु पूरे हृदय से माफी चाहते हैं। आज हर एक बंधन प्रभु के नाम से टूट जाए। अब पूरे हृदय से हम हाथ उठा के प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि प्रभु के सिवा कोई नहीं। हालेलुया प्रभु, तू सबसे भला है प्रभु, हमारा गड़ेरिया है प्रभु, हम तेरे फेरे हैं प्रभु। जो भटक जाते हैं प्रभु, उसे सही राह दिखा प्रभु, हमें सही राह दिखा और हमारे जीवन में तू आ। आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु, हर एक क्षण प्रभु हमारे साथ रहे। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो हमसे रूठे हैं प्रभु, वह हर एक जन हमारे पास लौट कर आने वाला हो सके प्रभु। आपके जो भी कार्य हमारे जीवन में हुए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आज यहाँ हम आपकी आराधना करने पाए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास से मांगो। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो क्यों ना प्रभु हम उस विश्वास से मांगे। विश्वासियों, वो प्रभु जिसने अंधों को आँख दी, लंगड़ों को चलने की ताकत, गूंगों को बोलने की ताकत, हर एक चीज़ दी। आज हम सामर्थ्य है तो पूरे हाथ उठा के, दिल खोल के, अपनी आँखों को प्रभु यीशु को देखते हुए धन्यवाद करें प्रभु। तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से मुझे मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई मिली मुझको रिहाई है।
आइए ग्रीस में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से लेकर 28 तक। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई। उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे दो बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानती कि क्या मांग रही हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों से बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम ये चीज पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं, किस प्रकार प्रभु अपनी शिक्षाएं अपने शिष्यों को देते हैं। उनके मन के भेदों को जानते हुए, उनके मन के प्रश्नों को जानते हुए, उनकी जिज्ञासा को परखते हुए प्रभु आज उन्हें एक उत्तर देते हैं, और वो उत्तर इस प्रकार का उत्तर है जो उनके शिष्यों ने यह बात को महसूस भी किया। प्रभु कहते हैं, जो अपने में प्रधान होना चाहता है वह दास बने, और जो अपने को बड़ा समझता है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वह सेवक बने, और ये बहुत बड़ी बात है जो कि प्रभु की शिक्षाओं में हम पाते हैं, प्रभु के जीवन में हम पाते हैं। और प्रभु अपने जीवन में वही प्रीच करते थे जो वो प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि प्रभु के कार्य, प्रभु का आचरण, प्रभु के शब्द, प्रभु की शिक्षाएं उनके जीवन पर आधारित रहती थी। प्रभु जो भी कहते थे वो करते थे। प्रभु अपने वचनों में कहते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने आप को उस सेवक के रूप में अपने शिष्यों के सामने प्रकट करते हैं। वह उनके पांव धोते हुए उनसे अनुनय विनय करते हुए उन्हें प्रेम का, उन्हें दया का, उन्हें अनुकंपा का पाठ पढ़ाते हैं। जब प्रभु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं तो पेत्रुस कहता है कि हे प्रभु, हे गुरु, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे पांव कैसे धो सकते हो? लेकिन प्रभु कहते हैं कि उचित है, और अगर मैं तुम्हारे पांव नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। और पेत्रुस कहता है, तो फिर प्रभु जी मुझे तो नहला दीजिए। और प्रभु कहते हैं कि तुम तो पहले से नहाए हुए हो, लेकिन जो रिलेशनशिप, जो संबंध हमारा इस कार्य से हो रहा है वह संपूर्ण रूप से ईश्वरीय योजना के तहत है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं तो वो दया का भाव, वह सेवक का भाव अपने शिष्यों को प्रकट रूप से बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु महान बनने नहीं आया था, जो कि आज का बहुत ही प्रमुख विषय है, जो कि आज के विषय में हम पाते हैं कि जबेदी के पुत्रों की माता कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई, और वह कहती है कि प्रभु, जब आपका राज्य आएगा तो आप एक को दाएं और एक को बाएं बिठा देना। और ये एक माँ का कंसर्न होता है, एक माँ की एक चिंता होती है। हर माँ की चिंताएं होती है, हर माँ की कई प्रकार की चिंताएं होती है, और वही माँ की चिंता आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार जबेदी की जो पुत्रों की माता है, जब वो आती है तो वो अपना यह जो डाउट है प्रभु से क्लियर करते हैं, और प्रभु उनके सामने ही, उसकी माता के सामने ही पूछते हैं कि क्या तुम ये प्याला पी सकते हो? कहते हैं हाँ हम पी सकते हैं। और प्रभु उनसे कहते हैं, वो तो तुमको पीना ही पड़ेगा क्योंकि तुम सिलेक्टेड हो और तुमको
को तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसको दाएं बिठाऊं किसको बाएं बिठाऊं, ये ईश्वर के हाथ में, ये पिता के हाथ में। और जब शिष्यों को पता चलता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे बारहों के अंदर इनकी मम्मी सिफारिश लगा रही है और प्रभु का मन पिघल जाएगा, तो जब प्रभु जब सिंहासन पे बैठेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें कौन सी गद्दी मिलेगी। और उसी के कारण प्रभु से वह जब आपस में वाद विवाद करते हैं, जब वे जलते हैं एक दूसरे से, प्रेरितों को मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए, दोनों भाइयों से घृणा करने लगे। और प्रभु वहां पे क्या करते हैं, प्रभु वहां पर कहते हैं कि जो प्रधान स्थान पर बैठना चाहता है वह सेवक बने, वह उनकी सेवा करे, क्योंकि जो बड़ा है वह छोटा बनाया जाएगा। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार करते हैं, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया। हाँ ये प्रभु का जो वचन है, ये प्रभु का सशक्त वचन है कि प्रभु इन चार सेंटेंस के अंदर अपने जीवन का पूरा विवरण दे देते हैं कि वो किसी पे राज करने नहीं आया है, वह किसी को दबाने नहीं आया है, वह अपने प्राण देकर राज्य करेगा, वह दिलों पर राज करेगा। और जब वह दिलों पर राज करता है क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, उसके अनुयायी उसके ये शिष्य जो राइट और लेफ्ट के चक्कर में पड़े हुए थे, वे उसके लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए, वे अपने लहू को बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वे अपने प्रभु के प्रेम को देखते हैं तो वे उस प्रेम के लिए अपने आत्मा को ईश्वर की ओर अभिमुख करते हुए अपने शरीर का भी त्याग करते हैं। प्रभु के वचनों को वह समझते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा वे लोगों के बीच में प्रभु यीशु को बांटते हैं। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऊंच नीच का भेदभाव होता होगा, कई बार हमारे जीवन में भी पोजीशंस का, पद का भेदभाव होता होगा, लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि तुम नम्र और विनीत बनो। जिस प्रकार हम अपने आप को ईश्वर की सेवा के लिए निरंतर आगे करते जाएंगे, प्रभु हमें उठाते जाएगा। और जब प्रभु कार्य करता है तो प्रभु ज्ञानियों को नहीं बल्कि नीरे मनुष्य को वह बलशाली बनाता है। आइए क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का कवच धारण करते हुए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह निरंतर हमारे साथ रहे, जिससे कि हम हमारी आत्मा को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए औरों की आत्माओं को, संसार की सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, कई बार स्तोत्र ग्रंथकार के ये शब्द हमने भी प्रभु से कहा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 3, 7, और 8 वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही है, मैं आह भरते भरते थक गया हूँ, मैं हर रात शैया पर रोता रहता हूँ, मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई है, मेरे बहुत से शत्रुओं के कारण वे क्षीण हो गई है। कई बार हम हताश होते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन में ऐसे कई दुख है जो हम किसी और से शेयर करना नहीं चाहते,
हमारे पर्सनल सोरोस, जो हमारे अंदर हमें खाई जाती है। लेकिन हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 12 और 13 में पढ़ते हैं, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। आमीन। प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आज हम रो रहे हैं, बीमार है, हताश है, जीवन से हम हार चुके हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो वो हमारा आनंद बन जाएगा, वो हमें स्वस्थ करेगा, वो हमें हर विपत्ति से बचाएगा। इस वचन पर हम दृढ़ विश्वास करते हुए आज इस नित्य आराधना में सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो इस क्षण अपनी आंसुओं को, अपनी वेदनाओं को, अपनी बीमारियों को, समस्याओं को, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने है प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बहन मोनिका एलिजाबेथ और उनके परिवार के लिए, उनके बेटे सिद्धार्थ और बेटी खुशी और नलिनी के लिए प्रभु जी, प्रभु जी इनके परिवार में आशीष हो, हर प्रकार के बंधन से उन्हें छुटकारा दे प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु जी, ये परिवार भी प्रभु नाजरत के परिवार के समान हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई इमानुएल के लिए, उनके शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी इस क्षण हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर वो भाई बहन जो शारीरिक रूप से बीमार है उन्हें हम समर्पित करते हैं प्रभु। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में आपका वचन हमसे कहता है, जड़ी बूटी या लेप और औषध से नहीं बल्कि प्रभु के वचन से हम भले चंगे हो जाते हैं। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, प्रभु का स्पर्श उनके जीवन में हो, आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अनिल मिंज और निरुपमा टोपो के लिए प्रभु जी, उस समान सभी परिवारों को हम समर्पित करते हैं जो निसंतान है, ऐसे कई परिवार है जो कई महीनों से, कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब माता मरियम ने यही पूछा आपसे, ये कैसे हो सकता है, आपने एक ही शब्द कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु जी इस निसंतान दंपतियों के आंसुओं को हम समर्पित करते हैं, आपका ये वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। प्रभु जी हम अलविन के लिए प्रार्थना करते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, जो चल फिर नहीं सकते हैं, प्रभु जी उनके जीवन में आशीष हो। हम बेटा रोनमी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बोल नहीं पाता, मन में जो डर बस गया है उसे समर्पित करते हैं। ऐसे सभी भाई बहन जो डर के कारण उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं प्रभु जी, जिनके शारीरिक बीमारियों के कारण वो अपने बॉडी में मूवमेंट नहीं ला सकते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। उन सब के जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी। आपने याकूब के पत्र 5:15 में आपका वचन हमें सिखाया है कि विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। प्रभु जी इस विश्वास के साथ सभी भाई बहनों और बच्चों को विशेष रूप से समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। मैं अपने वचन भेज कर उन्हें चंगा करूंगा, हर प्रकार की विपत्ति से मैं उन्हें बचाऊंगा प्रभु। यह वचन के सामर्थ्य से जो चल फिर नहीं पाते हैं, जो व्हील चेयर में है, जिनके पैरों में इतनी ताकत नहीं है, जो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर बन गया है, प्रभु उनका छुटकारा हो प्रभु। Let the mighty deliverance of the healing, my Lord. Yeshu, तू आ जा यीशु के पास, तू
मुझे यीशु बुला रहा, आ जा यीशु के पास, मुझे यीशु वो बुला रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें लगता है हमारी योजना विफल हो गई है। कितनी भी कोशिश करें, एग्जाम्स क्लियर नहीं होता, रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते हैं, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जितना भी इंटरव्यू दे उतना चप्पल घिसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, कहीं भी सफलता हाथ में नहीं आती। प्रभु, हमारी भी दशा कई बार स्तोत्र ग्रंथकार के जैसा है। हम संकटों से घिरे हुए हैं प्रभु जी, विपत्तियां हमारे चारों ओर है। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 71:20 में प्रभु आपका वचन हमसे कहता है, तूने मुझे बहुत से गौर संकट में डाला, किंतु तू मुझे फिर नव जीवन प्रदान करेगा। आमीन। तू पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस क्षण जीवन का सबसे लो मोमेंट हो सकता है, हताश और निराश हो सकते हैं हम, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब प्रभु हमें संकट से उठाएगा, जिस गहराई में हम हैं उससे दुगने ऊंचाई में प्रभु हमें ले जाएगा। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अंजलि टिर्की के लिए, प्रभु उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी। उस समान सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई इंटरव्यूज दे चुके हैं, प्रभु जी आपकी आशीष उनके जीवन में हो, हर प्रकार के जो ब्लॉक्स है वो सब हट जाए और इन्हें सफलता प्रदान करे। हम उसी समान प्रार्थना करते हैं भाई एलेक्स जोशुआ टिग्गा के लिए भी, प्रभु जी सफलता इन्हें प्रदान कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई जोनी के लिए, उसी समान आदिरा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा का आशीष इन्हें दीजिए, सब प्रकार के डर से उन्हें बचाइए प्रभु, और आपकी आशीष और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं वेलंगिनी पीटर के लिए, प्रभु जी उनके शारीरिक बीमारियों को समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे जीवन को स्पर्श कीजिए, जितने भी ब्लॉक्स मेरे जीवन में हैं वो हट जाए। इस आशीष के दौरान हम आज विशेष प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में जितने भी बंधन हैं, हमारे परिवार में जितने भी बंधन हैं, उसे आपके पवित्र लहू के द्वारा, आपके इस आशीष के द्वारा हमसे और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए जाए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्यारे भाई और बहनों, परिवार के सभी बंधनों को हम प्रभु को समर्पित करें, हमारे बच्चों के जीवन में जो अड़चने हैं, हमारे जॉब्स में जो अड़चने हैं, हमारे रिलेशनशिप में जो अड़चने हैं, वो सब हम प्रभु को समर्पित करें। ओ प्रभु, आशीष के द्वारा प्रभु जी हर प्रकार के बंधन टूट जाए। Let the mighty generous in the mouth name of Jesus. ओ जीसस, आप क्या सामर्थ्य परिवार में उतरे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शियर चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुलाए।